बातचीत। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बिरेन वकील और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल। लेकिन कॉटन में बिकवाली लेकिन धनिया में खरीदारी की राय यहां पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आती हुई। तपन, नॉन एग्रो में भी काफी वॉलेटाइल दिन रहा है, स्पेशली सोने चांदी के लिए जहां पर हमने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स आज यहां पर टूटते हुए देखे हैं। कुछ खरीदारी लेकिन यहां पर एनर्जी में आज लौटी है। जी गुड इवनिंग मनीषा जी, गोल्ड सिल्वर में दोनों में हल्की सी रिकवरी अभी फिलहाल नून सेशन में देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि दोनों में सेलन राइज का फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। जब तक जो डॉलर इंडेक्स में बाइंग चल रही है तो उसकी सबसे ये प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म करेक्शन इसको बोल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए ही मैं गोल्ड के लिए 50,100 के करीब गोल्ड में चल की जा सकती है। 49,700 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 50,400 का मेकिंग टारगेट गोल्ड में सेल की जा सकती है। मेरी दूसरी पीक डेफिनेटली एनर्जी पैक में, जैसा मैंने बताया कि उसमें रिकवरी देखने को मिली है और नेचुरल गैस यहाँ पे अच्छी पीक है क्योंकि पिछले तीन दिन से 132 का जो लेवल है सपोर्ट लेवल वो होल्ड कर रहा है प्राइस और यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो 135 के लेवल से नेचुरल गैस में बाइंग की जा सकती है, 140 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 132 के बिलो मेंटेन करके नेचुरल गैस में काम किया जा सकता है। खरीदारी यहां पर नेचुरल गैस में की जा सकती है। एनर्जी में जैसे हमने बात की कि आज यहां पर हल्का सा रिबाउंड देखने को मिला है, लेकिन सोने चांदी में अपसाइड पर अभी भी बिकवाली की राय यहां पर तपन की तरफ से आती हुई। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आगे लेकर आएंगे दर्शकों के सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। हमारे दर्शक अब इस सेगमेंट में हम यहां पर जोड़ेंगे और सबसे पहले हमारे पास एक व्हाट्सएप आया है अशोक जी का हिमाचल से। इन्होंने निकल में खरीदारी करने की रुचि जताई है, कारोबारी हैं ये। क्या करना चाहिए तपन, निकल में आप क्या राय देंगे और किस तरह की प्राइस रेंजेस आगे जाके दिखती हैं? जी निकल में फिलहाल सेलिंग चल रहा है और करेक्शन फेज है और मुझे लग रहा है कि बाइंग के लिए यहाँ पे वेट करनी चाहिए क्योंकि डाउन साइड अभी भी बाकी है। मुझे लग रहा है कि 1020 से 1000 के लेवल निकल में देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, तो बाइंग के लिए डेफिनेटली वेट करना चाहिए। 1000 की बेज रेंज पकड़ के वहां से बाइंग की जा सकती है, स्टॉप लॉस 940 के बिलो का मेंटेन करके निकल में वहां से बाइंग की जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि बाइंग को अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। फिलहाल के लिए खरीदारी यहां पर अवॉइड करनी चाहिए, निचले स्तरों पर आपको बेहतर मौके यहां पर फिलहाल मिलते हुए नजर आएंगे। और आज का दिन तो वैसे भी मेटल्स के थोड़ा सा वीक ही है क्योंकि हमने डॉलर में बढ़त आते हुए देखी है, वायरस नंबर्स यहां पर बढ़े हैं, तो बाजार क्लियरली यहां पर स्टिमुलस मेजर्स की तरफ नजर रखेगा, तब तक यहां पर थोड़ा रुकना चाहिए। हमारे साथ अब अमरिंदर सिंह जी लुधियाना से फोन लाइन पर है। अमरिंदर जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हाँ जी नमस्कार मैडम। जी मैडम, मैंने 7500 पर 4 लॉट चांदी के भाई किए हुए हैं। जी हेलो। जी अमरिंदर जी, हम सुन सकते हैं आपको। मैडम मैंने 7500 पर 4 लॉट चांदी बाय की हुई है, क्या लगता है? आप तो यहाँ पर मुनाफे में थे या कल तक, उसके बाद हमने ऑफकोर्स यहाँ पर मुनाफा वसूली जोरदार आते हुए देखी है। तपन क्या राय देंगे, 7500 पे इन्होंने चांदी खरीदी थी, 60,000 के नीचे के स्तर यहाँ पर चांदी में बनते हुए नजर आए हैं। खरीदारों के लिए तो बहुत अच्छी राय होगी कि यहाँ पर अपनी नई इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन अगर किसी ने ऊपर में खरीद के पहले से रखा हुआ है जैसे अमरिंदर जी ने, तो क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, खरीदारों के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है करेंटली चांदी में अगर फिर से निवेश करना चाहे तो, लेकिन जिनकी पोजीशन है जैसे अमरिंदर जी है तो मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि अपनी पोजीशन होल्ड रखें। अगर मार्जिन है, कैपेसिटी है तो डाउन साइड में आप एड भी कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं प्राइस को। 56,000 का स्ट्रांग सपोर्ट है तो वो रेंज को बेस मांग के आप अपना एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, एवरेज बढ़ा सकते हैं चांदी में और आगे जाके लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा फायदा सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है चांदी का वो भी बुलिश है, तो आगे जाके अच्छा मुनाफा वो कमा सकते हैं। जैसे अमरिंदर जी, जैसे तपन जी ने कहा आपसे कि नई पोजीशंस अगर आपको लेनी है तो निचले स्तरों पर बनाते रह सकते हैं। तपन, अगर 56,000 तक यहां पर प्राइसेस जाएंगे तो ऊपर में क्या लेवल है, कहां तक रीबाउंड हम आता हुआ देखेंगे और अब इस जो बाकी बचा हुआ ये जो साल है क्या रेंज लगती है चांदी में? जी करंट सिचुएशन को मान के चले तो जो प्रीवियस रेंज थी तो मुझे लग रहा है उसका ब्रेकआउट जो है वो 70,300 का है, तो उसके ऊपर प्राइस अगर निकलते हैं तो अच्छा मोमेंटम फिर से कैच हो सकता है और 85,000 के लेवल्स हमको आने वाले साल में देखने को मिल सकते हैं। और इस साल की अंत तक की हम अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि 74,000-76,000 की जो रेजिस्टेंस रेंज थी वहां तक प्राइस में बढ़ोतरी हमको आती हुई दिख सकती है। लेकिन इसी के साथ बीरेन जी, तपन बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, उन सभी कमोडिटीज पर अपनी राय देने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए भी। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।